अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज हम आपके सामने आए हैं, काफ़ी टाइम के बाद में आए हैं एक नकाब का। हमने आपको वीडियो दिया है, अपना ब्लॉग बना करके डाला था, तो उसके बाद से हम अब आए हैं। अभी तक हम अपनी शादी की जर्नी दिखा रहे थे, जो हम शादी में गए हुए थे, बहुत सारी शादी में गए थे, और यूपी टूर करके हम आए हैं। यूपी, बुंदेलखंड, सब जगह हम घूम करके आए हैं। तो वो हमने अब आपको सारे कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह से, और कुछ बीच में नहीं दिखा पाए हैं, जैसे हमारी वापसी का, रिटर्निंग का हमारा कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया है। कि आप लोग को सबको पता था कि हमारी बेटी का पैर फ्रैक्चर है, और हमें काफ़ी, मेरे साथ में लगेज भी बहुत था, तो अकेले सारा हमको अरेंज करना पड़ता था, उठाना, रखना, उतरना, बैठना, सभी कुछ कर लिया। खैर वहाँ पे तो हमें किसी ने बिठा लिया, हमारे घर के रिलेटिव थे, हमारे घर के बच्चे थे, उन लोगों ने सब ने बिठा लिया हमको ट्रेन पे। यहाँ पे हमारे हस्बैंड आ गए थे, लेकिन वो काफ़ी लेट आए हैं। जब हम स्टेशन पे उतर करके खड़े हो गए थे, निज़ामुद्दीन में उतर गए थे, उतरने के करीब पौन घंटे के बाद मेरे हस्बैंड पहुँचे हमको लेने के लिए, कि वो दोपहर का 11:30 बज रहा था और उनको कुछ काम था, तो वो बिज़ी थे, इस वजह से ही वो थोड़ा सा लेट आए। खैर कोई बात नहीं, वो तो सब चलता है, तो इसलिए हम वापसी का पूरा आप लोगों को नहीं दिखा पाए हैं वीडियो। तो अब हमारी वो जर्नी कंप्लीट हो गई है, अब आप लोग उसका वेट मत करिएगा। तो अब हम आज एक नया ब्लॉग लाए हैं आप लोग के सामने। अब हम जा रहे हैं चाय बनाने, गुड़ की चाय बनाने। तो गाइज़, गुड़ की चाय थोड़ी टफ़ होती है, टफ़ का मतलब है कि जल्दी बन नहीं पाती, लोगों से वो फट जाती है बनाने के बाद में, और हमसे भी हुई है, कई बार हुई है हमसे, 2-3 बार। अभी परसों ही बना रहे थे हम, तो 2 बार मेरी चाय फटी है सुबह में, इधर जैसे दूध डालते हैं फ़ौरन फट जाती है, जबकि अलग अलग सब कुछ करते हैं। लेकिन हमने नया तरीका एक सीख लिया है, और बहुत ही इजी है बनाना, लगता है टफ़ है लेकिन बहुत इजी है। तो हमने सोचा अपने गाइज, अपने फ्रेंड्स से क्यों ना हम शेयर करें उसको। तो ये शाम की चाय बनाने जा रहे हैं, करीब बज रहा है शाम का, हमारे यहाँ 5 बज रहा है दिल्ली में, और ये शाम की चाय तैयार कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं उसकी एक नई रेसिपी आप लोगों के लिए, इन्जॉय करिए। तो गाइस, ये गुड़ की चाय के लिए हमने ये 1 इंच का अदरक ले ली है, अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 1 इंच का है ये, और ये 2 छोटी इलायची हैं, हरी वाली जिसको बोलते हैं, 2 लौंग हैं, और हम तेज़पत्ता ज़रूर डालते हैं, आप लोग डाल के देखिएगा, तेज़पत्ते से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी ये तो सब चीज़ें हैं टेस्ट के ही लिए हैं, बाकी फ़ायदा भी होता है इन सब चीज़ों का, तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। गैस ऑन कर देते हैं ये, और चाय हम बनाएंगे 3 कप बनाने जा रहे हैं। तो हमने ये 2 कप तो पानी ले लिया है, 2 से 2.5 कप पानी ले लेंगे, कि दूध इसमें बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। यार क्या मुसीबत है, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ चल गई हैं कि दिमाग ख़राब कर देती हैं आवाज पर। तो गाइज, ये हमने पानी डाल दिया, पानी हमने 1.5 कप रखा है, ये वाला जो नॉर्मल कप होता है चाय पीने के लिए, वो इसमें मेरे हस्बैंड पियेंगे चाय, इसमें हम पीते हैं, सबके घर में यही होता है, मैं लगता है कुछ कप सबके फेवरेट होते हैं। तो गाइज, 1 कप और बढ़ा रहे हैं कि कोई बंदा नीचे शॉप में हमारे आ गया है शॉप से, तो वो चाय उसके लिए बढ़ानी है, घर पे आ गए हैं वो, और हस्बैंड की चाय, और बेटी हमारी इसमें पियेंगी, हम इसमें पियेंगे, हस्बैंड इसमें पियेंगे, तो सबका आप समझ जाइए टेस्ट। और ये दूध हमने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, बॉयल दूध जो है इसमें अलग तेज़ खौला लेंगे बहुत अच्छे से। इसमें जो कुछ पड़ा हुआ दिख रहा होगा, तो ये छोटी इलायची पड़ी है, आप लोग कुछ माइंड मत करिएगा, दूध में छोटी इलायची पड़ी हुई है। तो जिसके लिए हमने ये दूध लिया है, 3 कप चाय हमारी है, 3 कप में हम दूध भी आपको नाप के दिखा देते हैं, ये देखिए आपने मेजरमेंट कर लेते हैं, तो ये 1 कप है, और थोड़ा सा और है, 1/2 कप से कमी होगा। तो फ्रेंड्स, ये दूध इतना इनफ होगा इतनी चाय के लिए, गुड़ वाली चाय के लिए इतना दूध इनफ है बाकायदा, और क्यों इसमें अभी पानी वानी नहीं पड़ा है दूध में, ये प्योर दूध है।
और ये हम अदरक को और लौंग इलायची सब हम कूट के डाल देंगे अपनी ओखली में, छोटी सी हमारी जो ओखली है, और ये तेज़पत्ता है ऐसे ही इसको ये तोड़ करके डाल देते हैं बस। और इसके लिए ये देखिए हमारे यहाँ ये आया हुआ है, ये गुड़ का, गुड़ की चीनी बोलते हैं, कुछ लोग गुड़ का बूरा बोलते हैं, पता नहीं क्या है ये। आप गुड़ के जो पीस आता है बड़ा उसकी भी बना सकते हैं सेम इसी स्टाइल से बिल्कुल। तो ये देखिए चाय थोड़ी सी गुड़ की मीठी अच्छी लगती है, बहुत फीकी नहीं। तो ये हमने 3 कप के लिए 4, ये समझ लीजिए आपका जो टीस्पून है वो 4 हो गया। तो ये उतना मीठा नहीं होता है जितनी नॉर्मल शक्कर मीठी होती है या गुड़ होता है, ये उतना मीठा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ रहा है। और थोड़ी चाय भी इसकी मीठी पी जाती है, अच्छी लगती है मीठी, फीकी चाय नहीं अच्छी लगेगी। तो ये हमने 3 डाल दिए, मतलब 6 टीस्पून डाल दिया होगा, मेरा तो ये स्पून बड़ा है तो इसलिए हमने इसको 3 डाला है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट हो, नहीं मीठा पीना चाहते हैं तो वह डालिए। बहुत अच्छे से देखिए हमने इसको कूट लिया है, सब लौंग इलायची और अदरक तीनों चीजें। इसकी चाय में नमक भी बहुत माने रखता है, नमक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी हम पानी में नहीं डालेंगे इसलिए कि हो सकता है चाय हमारी फट जाए, तो हम पानी में नहीं डालेंगे नमक। तो ये हमारा 1 कप दूध था, 1 कप हमारा मतलब ये छोटा ही कप है, तो ये थोड़ा सा और लिए ले रहे हैं, जितना हमें चाहिए होगा उतना डाल लेंगे। और ये पानी में चाय की पत्ती, ये 1 और ये 2 स्पून, मतलब 2 टेबल स्पून जो वो सॉरी टीस्पून जो आता है बस वो डाल दिए, बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग जैसे नॉर्मल शक्कर की चाय पीते हैं हम लोग जो चीनी वाली वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बनेगी। अभी देखिएगा कलर बहुत डिफरेंट आएगा, एकदम बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा होगा। हम लोग एग्जॉस्ट चला के नहीं बैठते, ऐसे ही बैठ जाते हैं सब। और गाइस थोड़ा थोड़ा सा नमक हम अपने अपने कप में डाल लेंगे, बहुत हल्का सा सिर्फ इसका बहुत। ये देखिए हमारी चाय बहुत अच्छी सी खोल रही है ना, आप लोगों को दिख रही होगी ये देखिए, और ये दूध बहुत बढ़िया बॉयल हो गया है, ये भी खोल रही है, ये देखिए है ना, ये पक गया एकदम। फ्रेंड्स ये आपको गैस हमने बंद कर दी है उधर की, और इसको भी बंद कर दीजिए, इसलिए भी इतना दूध खोला हुआ है, अब खोलाने की ज़रूरत नहीं है, और चाहे डला ऐसे ही जलने दीजिए आप, तब डाल दीजिए दूध। ये देखिए फ्रेंड्स से हमने जितना बोला था आप लोगों से सिर्फ उतने ही दूध लग रहा है, ये देखिए दूध हमारा जो हमने इसमें निकाला हुआ था एक्स्ट्रा वो देखिए बच गया है, ये देखिए है 1 कप बच गया दूध। और ये देखिए चाय, आप चाय का कलर देखिए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया बनी है, थोड़ा सा हम टेस्ट करके देख लेते हैं। वाओ तो गाइस ये चाय ये देखिए हमारी एकदम रेडी हो गई है, बिल्कुल बढ़िया, देखने में भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्या कलर आया है। और कलर के साथ में टेस्ट भी आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि ये चाय ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, और पीने के बाद में कमेंट करिएगा, आप बनाते होंगे आप लोग कमेंट करिएगा कि कुछ लोग बनाते पीते होंगे, सबके घरों में जाड़े में बहुत ये फ़ायदे की चाय है।
जरूर हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा कि किसके किसके घर में गुड़ की चाय जाड़े में पी जाती है, तो फ्रेंड्स जरूर बताइएगा, हमसे शेयर करिएगा। और बना के पीने के बाद में अगर टेस्ट समझ में आता है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं हमारे वो सबको सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।